भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत कुछ अभी तक निकल के आ गया। हालांकि अभी तक 3 ही मैच हुए हैं, इंग्लैंड ने 2 मैचेस जीत लिए हैं और भारत को 1 मैच में ही जीत मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो टीम इंडिया के खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे हैं उनका क्या होने वाला है। खास तौर से आज हम बात करने वाले हैं शिखर धवन की, यानी कि गब्बर की बात करने वाले हैं, जिनको 1 ही मैच में मौका मिला और उसके बाद 2 मैचों में उन्हें बेंच पर रेस्ट करने के लिए मौका दिया गया। क्या कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब फटाफट से कीजिए और उसके बाद ये वीडियो आगे देखिए। 3 T20 मैचों में से भारत 2 मैच गंवा चुका है और 1 मैच में उसे जीत मिली है, लेकिन सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है शिखर धवन के सामने, जिनको पहले ही मैच में मौका मिला। उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाए, उसके बाद उनको बाकी के 2 मैचों में मौका नहीं मिला। और जिस तरह की स्थितियाँ बन रही उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि बाकी बचे हुए 2 मैचों में भी उनको मौका मिलेगा, यानी कि उनके लिए ये सीरीज़ करीब करीब अब ख़त्म हो गई है। हालांकि वनडे सीरीज़ अभी खेली जानी है, उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान किया जाना है, उनका उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि संकट की तलवार KL राहुल पर भी लटक रही है। KL राहुल को लगातार 3 मैचों में मौका दिया गया, लेकिन वो 1 मैच में 1 रन बना सके और बाकी के 2 मैचों में वो 0 पर आउट हो गए। इसके बाद से उन पर भी संकट की तलवार लटक रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रदर्शन, जो अच्छा प्रदर्शन किया है, वो किया ईशान किशन ने। हालांकि पहले मैच में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन दूसरा मैच जो कल खेला गया उसमें उस तरह के प्रदर्शन उनका दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन उनका नंबर भी चेंज कर दिया गया था, ये भी मत भूलिएगा, उनको नंबर 3 पर भेजा गया था बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि पहले मैच में वो ओपनिंग करने के लिए थे। इस सीरीज से पहले विराट कोहली ने कहा था कि भारत के 3 ओपनर्स इस समय मौजूद हैं, जिसमें KL राहुल हैं, रोहित शर्मा हैं और शिखर धवन हैं। और शिखर धवन के लिए उन्होंने कहा था कि वो तीसरी चॉइस होंगे, यानी कि 3rd choice होंगे ओपनिंग के लिए। उनका कहना था कि रोहित शर्मा और KL राहुल ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आखिर में मौका दिया गया KL राहुल को और शिखर धवन को, रोहित शर्मा को आराम दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही ईशान किशन की वापसी होती है या रोहित शर्मा की वापसी होती है, वैसे ही शिखर धवन को आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अब जो तीसरी चॉइस थे शिखर धवन, वो अब लगता है कि 4th choice बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ईशान किशन ने भी ओपनिंग के लिए अपना दावा मजबूती के साथ ठोंक दिया है। ईशान किशन ने हालांकि अभी तक 2 ही मैच खेले हैं, ऐसे में उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि बचे हुए 2 मैचेस में ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे। वो ओपनिंग करेंगे या नंबर 3 पर आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर खेलते हुए उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर दी तो फिर शिखर धवन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती हैं। और आपको ये नहीं भूलना होगा कि इसी साल T20 विश्व कप भी होना है, जो भारत में होना है, और क्या शिखर धवन उस T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपका क्या कहना है, शिखर धवन को क्या टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए वापसी, और क्या जो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी जाएगी क्या उसमें भी होना चाहिए, और कहां पर वो बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ सकते हैं? शिखर धवन और KL राहुल के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, या फिर ईशान किशन के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जल्दी ही नया वीडियो हम आपके लिए फिर लेकर के आएंगे। IPL के सारे अपडेट्स लेकर के आएंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज़ चल रही है उसके सारे अपडेट्स लेकर के आएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।